असलम व्यूअर्स होप यू आर फाइन वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो कैसे हाँ हैं आप है? uh, है सब हैरियत से हैं दिस इज़ शहजाद अमजद एंड अम्म कैसे हैं सब दिस इज़ शहजाद कैसे हैं आप सब ठीक है ओके okay, uh, आज से हम अपना इन डेली uh, रूटीन एक सेट कर रहे हैं और डेली हम इनशाला कॉन्टेक्ट अपलोड किया करेंगे तो आपकी जो भी फरमाइश है या कोई भी आप वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं जिसपे हम रिएक्ट करें तो डूश इन कमेंट बॉक्स सो so, आज कल जो हमारा एक आज सोशल आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम जो पंजाब कॉलेज में जो एक दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में कुछ अपनी एक फीडबैक अपना शेयर करना चाहेंगे फर्स्टली तो हम उसको कंडेम करते हैं ठीक है स्ट्रॉगली कंडेम करते हैं कि इस तरह के केसेस स्पेशली एक मुस्लिम कंट्री या uh, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं होने चाहिए कहीं पे भी और खुदा ना खुदा ना हास्ता कहीं पे भी नहीं होने चाहिए स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए तो uh, हुदाय ना हास्त अग, अगर होते भी हैं तो इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कंसर्न पार्टीज को सो ताकि आइए स्ट्रॉगली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को कंसर्न लॉज को सो so, ताकि इस तरह के जो इवल्स हैं या इस तरह के जो सोशल इवल्स हैं हमारी कंट्री में से खत्म हो सके जी आज हमने जो वीडियो ली है वो बेसिकली उर्दू पॉइंट से है <laughs> और वो इसके बारे में डिटेल्ड और लाइव लोकेशन पे जाके उन्होंने right. जी बिल्कुल वहाँ पे उसको कवर किया है okay. और देखते हैं कि वहाँ पे लाइव क्या मनाजिर थे और क्या क्या कुछ <laughs> वहाँ के स्टूडेंट्स जो थे ऑन द स्पॉट उनका क्या कहना है <laughs> और इसके बाद फिर हम अपने बाकी जो व्यूज़ हैं <laughs> और रिएक्शन हैं वो इसके बाद हम <laughs> बिल्कुल और चूँकि इस सर इस तहरी मिक्सअप कर दिया गया है कि इवन कोई जज नहीं कर पा रहा आया कि ये सिचुएशन राइट थी या रोंग थी या क्या क्या है इसमें सारे एक uh, हर एक ने अपना फ्लेवर ऐड किया हुआ है तो लेट्स चेक आउट दिस वीडियो एंड देन विल बी राइट बैक के साथ मैं। मैं आपका मेजबान और साफ़ हाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब कॉलेज के, के बाहर जहाँ पे स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद हुआ वो लड़के या लड़कियाँ सुबह से यहाँ पे ऐतजाज कर रहे हैं ये सारा क्या मामला अगर मेरा कैमरा मैन आपको पहले यहाँ का माहौल दिखा सके के तमाम लाहौर के पंजाब कॉलेज के तुलबा और तालिबा सड़कों पर आ गए और किस कदर यहाँ पर एहत किया जा रहा है तो ये ब्राह रास्त दिखा रहे हैं कि एक खासी बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की यहाँ पे इकट्ठी हो गई है ये सारा क्या मामला है ये लड़की सड़क पर क्यों निकले हैं और क्यों के नारे लगाए जा रहे हैं कि कल ऐसा जो ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर इकट्ठे हो गए थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत करते हैं क्या मामला हुआ है क्यों जस्टिस जा रहे हैं आप लड़की के साथ इधर इन्होंने रेप किया है एक पंजाब कॉलेज में बच्ची पढ़ती है उनके साथ इन्होंने रेप किया है वो इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है अब कह रहे हैं जी वो बच्ची ऐसी थी

तोड़फोड़ शुरू हो गया पंजाब कॉलेज के कैंपस टैन गोड है और जितने दिखा रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं क्या सारा मामला फिल वक्त अगर कैमरा मैन दिखा सके स्टूडेंट्स दीवारों पर चढ़ना शुरू हो गया और तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है ये सारा क्या मामला पेश आया थोड़ा सा कैमरा मैन इधर आया और बात करते हैं है और आपको बताते हैं कि आखिर सारा मामला है क्या क्या मामला हुआ 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 है कब कैसे दो दिन पहले पहले था 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 को लड़की का रेप गार्ड में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई किया कि रेप हुआ ही नहीं हमने हम आई हमने वीडियो देखी है जो सड़की के क्लासमेट को स्ट्रेचर पर लेके जा रहे थे पहले उन्होंने डिनाई किया की कि हमने किया उसके बाद आज पेरेंट्स अंदर गए थे दो थी थे वह लिटरली रो रही थी और प्रिंसिपल उनसे वन टू वन क्या हमारा तो है तुम्हारी बेटिया ऐसी तुम बेटिया ऐसी तुम लोग ऐसी लड़कियाँ चाहती है मतलब हमें ऐसे, है। हम ऐसे तू ऐसे

लड़की तो तो फर्स्ट की, की, साथ की, की थी जिसके साथ जब मैं पेश आया उनकी अब क्या कंडीशन? वो आईसीयू आईसीयू आई 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 में में और उस हॉस्पिटल में अभी होके आ रही हूँ और वो लोग लो ना मिलने दे रहे हैं हैं और वो कह रहे ऐसा कोई केस आया ही नहीं।

आप कॉलेज के बाहर सारा फर्नीचर जला के आग लगाई जा रही है अच्छा आप बताएं क्या मामला हुआ मामला ये हुआ है कि 9 अक्टूबर को यार यहाँ पर एक लड़की का रेप हुआ है हमारी बहन का रेप हुआ है लोग उसका नाम अलग अलग बता रहे हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ चाहे वो ईज़ा हो चाहे वो फिजा हो चाहे वो बतूल हो चाहे वो बिस्मो हो लेकिन वो मेरी बहन है इसकी बहन है यहाँ पर मौजूद हर किसी की बहन है हम उन सब के लिए आए हैं हम अपनी बहनों के लिए आए हैं यहाँ पर किसी और के लिए नहीं आए उसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारी की सारी न्यूज फेक है तो मैं सबसे पहले आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि अगर ये न्यूज फेक है तो यहाँ पर कैमराज उन लोगों ने पहले क्यों कट करवाए सारी वायरस क्यों कट करवाई उसके अलावा यहाँ पर रात के बारह बजे पुलिस के डाले यहाँ पर क्या कर रहे थे हमारे पास इस सारी वीडियोज मौजूद हैं उसके अलावा मैडम हलीमा बच्चों को कॉल करके साइबर क्राइम की धमकी झाकियाँ लगा रही हैं उसके अलावा हर टीचर्स अपने वॉइस में लिख करवा रह रहे हैं कि हमने भाई बच्चों को डरा दिया है सिचुएशन तो काफ़ी डिस्टर्ब है मतलब कि क्या एक स्नैरियो है एक रियल सीन अभी तक सामने नहीं आया किसी मीडिया ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया और मोस्टली ये ज़्यादा वायरल तो मेरे हाल से इसी

कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है और uh, मैं कहती हूँ कि अगर इतनी इनके पास वीडियोस थी लाइक like, स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल ठीक है तो फिर हम ज़रा ना गवर्नमेंट लेवल पे भी उस पर भी बात करेंगे ठीक है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर स्टूडेंट्स के पास इतनी वीडियोस हैं तो वो वीडियोस क्यों नहीं वायरल हो रही ठीक है और अगर वो कहते हैं हम सबके मोबाइल लेके तोड़ दिए गए तो ऐसा भी नहीं होता ठीक है कि आप कहने वाले तो हज़ारों हो सौ हो लाइक hmm. ये भी हो सकता है कि पांच छह लोगों की ये बात हो फिर आगे से सर्कुलेट हुई हो exactly. ये भी सुनने में आया था कि जी फटाफट किसी लड़की ने जो है वो बॉयज कैंपस में मैसेज कर दिया मोबाइल hmm. देने से पहले कि ऐसा हुआ वैसा हुआ मोबाइल बॉयज को वहाँ से पता चला फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि मे बी हुआ भी हो क्योंकि वो क्या कहते हैं बग़ैर आग लगे धुआं नहीं उठता ठीक है मे बी हो सकता ये हुआ हो और मे बी ना भी हुआ हो ठीक है आजकल जो भी हो रहा है बेसिकली ऑन सोशल मीडिया हम उस पर टोटली बिलीव भी नहीं कर सकते ठीक है और इतना बड़ा नेटवर्क इतना बड़ा नेटवर्क जब जबकि हम सुनते हैं हम भी क्वालिफाइड दोनों हैं माशाल्लाह से और ये जो है ना मेरे ख्याल से नंबर वन पे ही था ठीक है एजुकेशन के लिहाज से आ, मैंने सबसे बड़ा नेटवर्क बिल्कुल 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 में तो। और सिक्योरिटी के लिहाज से ईच एंड एवरीथिंग मतलब कि बहुत अच्छा सिस्टम होता था इसका और लाहौर में एक मतलब मेन कैंपस है एक मतलब के जो हमारी मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है पाकिस्तान की उसमें एक कैंपस है तो ये एक सारा स्नैरियो बड़ा डिस्टर्बिंग सा है जो कि मैं समझता हूँ कि अगर ये रियल वाक्य है तो तो इसका लेना लेना चाहिए। बिल्कुल लेना लेना चाहिए। चाहिए बिल्कुल है, को कोई ऐसा एक अपना तैयार करना चाहिए आ, अभी तो चाहिए। आ, कि अभी हो हस्ता अगर कहा जा रहा है, वो भी सामने नहीं सामने आ रहा नहीं आ रहा जिस लड़की का नाम लिया जा रहा है reason, कितनी भी लड़कियों का नाम लिया जाए ठीक है कोई किन्जा कह रहा है कोई कुछ कह रहा है मतलब कहने का है ना तो वो लड़की के पेरेंट्स सामने आ रहे हैं और अगर वो पेरेंट्स आए हैं ठीक hmm. है एक वीडियो मैंने देखी थी उसमें उनके फादर ने आगे कहा भाई हमारी बच्ची जो है वो गिरी hmm. जिसकी वजह से वो इंजर्ड होगी दट्स वाई शीज एडमिट हॉस्पिटल तो वहाँ पे जो पुलिस है वहाँ पे उनको uh, देखने भी नहीं दे रही है ठीक है जो दूसरा बंदा जाके बकोल लोगों के ठीक है hmm. uh, पहली बात यह कि हमें तो उस बात पे यकीन ही नहीं करना चाहिए जो हम अपनी आंखों से देखें ना और अपने कानों से सुने ना लेकिन हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं हम हर बात देख भी नहीं सकते हर बात सुन भी नहीं सकते exactly. और ये सर्कुलेट ऐसी चीज़ हो रही है आ, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट क्राइम हो सकता है पाकिस्तान में पहले भी बहुत से आ, जो है ना अल्लाह रहम करे कि बुरी बुरी खबरें सुनने में आती हैं रोज़ इस तरह की बैड न्यूज़ हम सुनते हैं किसी hmm. ना किसी का रेप हुआ ये हुआ वो हुआ ये सिचुएशन बहुत जो है ना आ, वो प्रॉब्लमेटिक हो गई है हर जगह पे लाइक like, इंडिया की बात कर लेते हैं वहाँ पे जो डॉक्टर uh, मोमिता नाम था okay. जी उनके साथ भी मेडिकल uh, कॉलेज में ये सारा कुछ हुआ वो तो सीनियर आई थिंक डॉक्टर थी वो तो प्रैक्टिस mm -hmm. कर रही थी शायद मेरे ख्याल से तो मतलब कहने का है कि एक uh, मतलब जहाँ पे आप पढ़ने आ रहे हो या आप mm -hmm. वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आ रहे हो अगर वो जगह भी एक लड़की के safe लिए सेफ नहीं, नहीं है, है. तो फिर लड़की कहाँ पे सेफ है ठीक है गवर्नमेंट पे ये क्वेश्चन आता है कि वो इस चीज़ को पूरी तरह से डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रही है जो बातें अगर सामने आ रही हैं जो पॉइंट्स या कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर तो वो स्टूडेंट्स के भी हैं डेफिनेटली इनको उनके आंसर करने चाहिए ये कोई हल नहीं होता या ये कोई आंसर नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो डेफिनेटली उस टाइम के फुटेज उनको और हमारे साथ भी शेयर किए जाए ठीक है वहां पर तो सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा इसका तो यही मतलब है कि कुछ हुआ है हो सकता है कि वो रेप ना हुआ हो लेकिन कुछ तो हुआ है ठीक है और दूसरी बात है अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए ना सो झूठ बोलने पड़ते हैं हो सकता है कुछ छोटा मोटा ही कुछ हुआ लेकिन अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अभी ये कि उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है और ये अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं ठीक है और तीसरी और सबसे एंड वाली बात जो ये है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ठीक है बात तो गलत है अगर तो ये हुई है लेकिन ये कोई तरीका प्रोटेस्ट का नहीं होता ठीक है आप प्रॉपर्टीज को आप डैमेज करके इस अपने तरह अपने मुल्क का नुकसान नहीं एक बैड रेपुटेशन क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आप तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ पे ये सब कुछ करने का कोई तुक नहीं बनता बेसिकली और इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करता चलूं कि इन सब जो एक कह लें कि प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि तोड़फोड़ की जा रही है जो रियल केस है मैं समझता हूँ इसकी एक मेन रीज़न है जो कि उसको कैप्चर करने के बजाय ये आ, पुलिस को एक्शन लेना पड़ रहा है ताकि ऑब्वियसली ये चीजें बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है से किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये, ना, ये कोई ह्यूमन right राइट नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि आप प्रोटेस्ट हाँ आप कंडेम करें एक क्या कहते हैं उसको सेफ वे में कंडेम करें या एक अपना एहत रिकॉर्ड करवाएं ताकि आपकी जो आ, एसेट है या आपका एक जो सारा कह लें कि मलकियत है वो किसी की डिस्टर्ब ना हो ना आपको नुकसान हो ना किसी और को नुकसान हो और मेन हाँ। और मैं समझता हूँ कि मेन जो रीज़न है उसको पकड़ने के बजाय या उसको कैप्चर करने के बजाय या इन्वेस्टिगेट करने के बजाय दूसरी चीज़ों की तरफ इसको डाइवर्ट किया जा रहा है इसका प्रोटेस्ट ऐसे भी हो सकता था कि सारे स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे कॉलेज के वो बाइकआउट कर लेते कॉलेज के ठीक है अपने ही कॉलेज के सामने वो बैठते बैनर्स लेके इसको प्रोटेस्ट कहते हैं इसको बर्मन प्रोटेस्ट कहते हैं वहाँ पे आपको पुलिस भी फिर रोकती नहीं है अब अगर कहा जाए कि इन पर शेलिंग हो रही है ये भी गलत है ठीक है लेकिन बात यह है कि जब आप प्रॉपर्टी किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे तो ऑब्वियसली वो भी एक्शन लेगा एक जो रीजनेबल प्रोटेस्ट ये है आप लोग सारे पंजाब कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको बाइकआउट करते वहां पे ना जाते कॉलेज में अटेंडेंस नहीं देते उनकी चाहे छः माह भी लग जाते हैं ठीक है इस तरह का प्रोटेस्ट जो होता है ना उसका कोई मतलब ना रिजल्ट भी निकल आता है क्यों उनको फीसज नहीं जानी थी ये लॉस था ये सबसे बड़ा लॉस था डेफिनेटली आप ये पाँच छः दिन करोगे लोग भूल जाएंगे आप लोग भी भूल जाओगे फिर आप लोग कॉलेज जाओगे ऑब्वियसली आप लोग जाओगे ठीक है आप जाओगे फिर से फीसिस होंगी वो अपनी कंस्ट्रक्शन दोबारा कर देंगे फीसिस बढ़ा देंगे डेफिनेट आप नहीं जाओगे कोई और चला जाएगा सही है तो ये कोई तरीका प्रोटेस्ट का नहीं होता हमारे ख्याल से जो मतलब जहाँ तक हमें समझ आती है कि प्रोटेस्ट यही होना चाहिए था कि अमन आप लोग बाइकआउट करते ठीक है और ये है कि आप लोग अपना कॉलेज अटेंड ना करते उनकी फ़ीसेज ना जाती और यहाँ तक उनको नुकसान लॉस होता बिल्कुल एग्जैक्टली जो जो exactly जब आप लोग अपने कॉलेज के सामने आप लोग बैठे हो लाइक रोड भी मे भी बंद हो जाते ठीक है आप लोग अच्छे तरीके से आप प्रोटेस्ट करते अपना क्वेश्चन मार्क रखते उनसे क्वेश्चन करते ये तरीका कार होता अब अगर हुकूमत साइड को देखा जाए उनकी बात सुने तो लगता है वो सही कह रहे हैं अगर स्टूडेंट्स की बात सुने तो लगता है वो सही कह रहे हैं और कुछ तो मैं आ, लेकिन डाल में कुछ काला ज़रूर है क्यों बात जब दोनों साइड से सुनी जाती है ना तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोई ना कोई झूठ बोल रहा है ठीक है स्टूडेंट्स साइड पर भी लगता है कि कोई झूठ बोल रहा है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लिक करते हैं कि भाई ये नहीं ऐसे नहीं हो सकता और डेफिनेटली अब एक कॉन्फ्रेंस है उस पर भी हम रिएक्शन देते हैं आपको कि उनकी बात सुने तो भी लगता है कि कुछ गलत है दोनों पार्टीज एक्चुअली क्या है कि छुपाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है वो अब ये नहीं पता कि हो सकता है वो इस लेवल तक बात गई हुई है या इससे पीछे थी बात लेकिन उसको छुपाते छुपाते जो है ना आजकल तो वैसे भी जो है ना हालात बहुत खराब हो गए हुए हैं कि जो मैं कहती हूँ कि कोई कसर नहीं छोड़ते इतनी क्यों गंदी बात कर जाते हैं लोग कि वो अपना आप जो है ना माइंड सेट करना सबसे नीचे वाला जो एक मेन रीजन है Uh, हर कोई बस अपने कह लें कि लेने के चक्कर में है exactly. इस सारे स्नैरियो को कैप्चर करके uh, कोई टिकटॉक पे वायरल कर रहा है कोई यूट्यूब पे वायरल कर रहा है विदाउट नोइंग फैक्ट्स ठीक है उसको नहीं पता कि क्या हुआ है लेकिन जैसे उसने चूँकि एक व्यूअरशिप लेनी है अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं अपने पैसे बढ़ाने हैं तो वो जस्ट जो मुँह में आया वो कह लें कि बस उसकी एक, एक समी क्रिएट करता है और जस्ट वीडियो डाल देता है जबकि मुझे भी लगता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा अकल से काम लेना hmm. चाहिए ये नहीं कि मैंने उठ के कोई बात कर दी उसको आप लोग समझें कि भाई ये तो hmm. आगे तरफ फैला दो इसको ठीक है इसमें आई थिंक हमारे पॉलिटिक्स का भी हाथ है डेफिनेटली hmm. है ठीक है आजकल कुछ भी इतने बड़े लेवल पे कुछ भी होता है ना तो वो ऐसे नहीं हो जाता ठीक है उसके पीछे बहुत सी रीजंस होती हैं जो कि हमें नहीं पता होता और वैसे भी ये जो सारी बातें हैं मतलब कि अभी जो सिचुएशन है वो टोटली कन्फ्यूज़ है होपफुली hmm. हमारी तो ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर तो ऐसा हुआ है तो अल्लाह ताला उस बच्ची को उस बहन को उस बेटी को अल्लाह ताला इंसाफ दिलाएं क्योंकि आगे, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं हमें ना हुकूमत से कोई आ, वो उम्मीद है ठीक है ना हम कह सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं ये ठीक है इससे कोई रिज़ल्ट आएगा hmm. नहीं हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे जो कि बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है और सबकी असलियत सामने लाने वाला है और वक्त एक ऐसी चीज़ है कि हर सच का सामना सामने आ ही जाता है जो झूठ किसी ने बोला वो सामने आ जाता है तो हम अल्लाह तला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अगर कोई ऐसी कोई बात हुई है तो उस बहन बेटी को अल्लाह ताला इंसाफ दिलाए और जो भी कल्प्रट है जो भी इस चीज़ का जिम्मेदार है उसको अल्लाह ताला सख्त सख्त सफ सब सजा दे तलाक सुनने वाला और देखने वाला उसकी रूह तक कांप जाए एक को भी सजा हो गई हमारी इस दुनिया मतलब दुनिया में तो शायद होती भी हो कुछ कंट्रीज हैं देते हैं सजा भी चाहिए ठीक है इसकी शायद कोई सीख जाए लॉ बनाना चाहिए कि खुदा हास्ता अगर इस तरह का कोई सीन क्रिएट होता है या किया जाता है तो उसको कलपीठ को कह लें कि इवन आपको अगर सज़ाए मौत भी देनी पड़ती है जस्ट डू गो फॉर इट ठीक है इसी तरह ही स्टेट्स बनती हैं जैसे कि हम सऊदीया की बात कर लें कि अगर कोई इस तरह की आ, सोचता भी है या करने का सोचता भी है तो उसको आ, आ, सजा दी जाती है ताकि उसको नेक्स्ट टाइम सबको पता चल जाए कि जी ये चीज़ इसमें अलाउ नहीं है हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते सो आई थिंक ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए फ्राम कंसर्न पार्टीज और सबसे पहले तो हमें अपना जो है ना तजकिया नफ्स करने की जरूरत है वन बाई वन अपना तजकिया नफ्स करने की जरूरत है कि uh, कुछ लम्हात की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम दुनिया और आहरत के मुजरिम बन जाते हैं ठीक है तो ये इंसान अपनी बहनों बेटियों को जैसे देखता है अगर बाहर देखना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से ये सारे जो खराबियां पैदा हो रही हैं ये नहीं होंगी तो होपफुली ये हमारी जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और हमारे कुछ रिव्यूज में भी कुछ रिव्यूज हमारे आपको अच्छे ना लगे हों वो ज्यादा मतलब के हार्श हार्श हो गए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं तो उसके लिए रियली really सॉरी लेकिन बात है कि जो हमें लग रहा है फिलहाल फिलहाल जो हमें लग रहा है ठीक है

जो देखने वाले हैं वो भी mm -hmm. मतलब अच्छा नहीं इम्पैक्ट पड़ता ठीक है Obviously. एक वो क्या कहते हैं आप स्टूडेंट्स हैं पढ़ लिख रहे हैं आपको अक्लमंदी का मुजाहरा करना mm -hmm. चाहिए तो कुछ ऐसा अपना जो है ना तरीका इख्तियार करें और कोई लीडरशिप लेके आपको कोई एजुकेटेड भी कहे बेसिकली प्रॉब्लम पता है क्या शहजाद इन इन में कोई लीडरशिप नहीं है ठीक है इन बच्चों में जो मैंने देखा है ना कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो इनकी लीडरशिप कर रहा हो जिसके पीछे ये चल रहे हैं लाइक कोई इनको ले के चल रहा है कोई लीड कर रहा है ठीक है हर बच्चे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर बच्चा अपने तौर पर एग्रेसिव हुआ हुआ है नहीं ऐसे नहीं करें कोई एक आपका होना चाहिए जो आपको ले के चले और न, मुनजम तरीके से आप लोग चलें

और ये अगर किसी ने टारगेट किया है इन बच्चों को hmm. तो ये बहुत गलत टारगेट किया है कि ये एज ऐसी होती है कि इसमें जिस तरफ लगा दिया जाए ना उस तरफ बच्चा लग जाता ठीक है, है? इसमें आप आ, समझ लें कि आपका खून गर्म होता लाइक hmm. कह सकते हैं ना ठीक है, hmm. है? जवान बच्चे हैं सही है इतनी वो सोच समझ नहीं रखेंगे कि जितनी उनको रखनी चाहिए सो बी मिच्योर और कुछ ऐसा आप अपना जो ला अमल लाएँ के जो कि आपके लिए भी बेनिफिट हो और आपकी कंट्री के लिए भी और ओवर द मतलब कि कंट्री अगर कोई आपको देखता है hmm. तो वो डेफिनेटली कहे कि इन बच्चों ने कोई मिसाल कायम की बिल्कुल दूसरों exactly. के लिए मिसाल बने hmm. ना कि शर्मिंदगी का बने अपनी कोई जो एजुकेशन है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करके कोई प्लान और ऑर्गेनाइज uh, करके सब कुछ बेसिकली वो तो देखा जाए ना कि हम तो देख रहे हैं hmm. भाई पंजाब कॉलेज ने आपको किस तरह से ट्रेन किया सो ऐसा ना करें ठीक है दिस इज नॉट गुड बिहेवियर एट ऑल ओके इस हम आ, सारे अपने फीडबैक को हाँ जी काफ़ी लंबी हो चुकी है हम इस सारी वीडियो के एक अपने कॉन्सेप्ट को अपने व्यूज को अपने फीडबैक को समराइज करते हैं actually, और इस तरह समराइज हाँ। करते हैं कि एक्चुअली टॉपिक बहुत सेंसिटिव है कि hmm. इस पे जितनी बात की जाए कम है बिल्कुल लेकिन अल्लाह ताला से हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं फिल वक्त अल्लाह जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सजाए जो है, जो भी इसकी सजा बनती है उसको दी और कल्पट है और और ना दोहराये जाए और हमारी दुआ है की दुनिया में कहीं, कहीं पे भी ऐसा ना हो किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो कहीं पे भी क्योंकि ये बहुत दर्दनाक इसका जो दुख है ना वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है बिल्कुल किसी के लिए भी और चलें इस वीडियो को इधर ही समराइज करते हैं और अपने अपने आ, आप अगर कंसर्न सिटी से हैं तो अपने व्यूज अपने व्यू पॉइंट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किसी को किसी भी किस्म की अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है इस केस के बारे में तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों के आ, आ, के पास पहुंच सके और कंसर्न पार्टीज इसके ऊपर और इस टॉपिक पे हमें सोच समझ के बात करने की जरूरत है हम किसी की कही सुनी बात पे हम नहीं रख सकते कोई भी अपनी बात ठीक है समझिए सिचुएशन को एनालाइज करें फिर बताएं अपने व्यूज ठीक है हमारे साथ शेयर करें हम आपके कमेंट्स का जवाब भी देंगे इन और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफ़िज